वेलकम टू ओनली सक्सेस आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास टेंथ इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर फाइव द बॉल पोएम के क्वेश्चन आंसर्स तो पहला क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम व्हाई डजेंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल तो ऑथर ने ऐसा क्यों कहा कि वो इंट्रूड नहीं करेगा यानी कि बीच में नहीं पड़ेगा और उसने ऑफर क्यों नहीं किया कि भाई वो पैसे दे देगा दूसरी बॉल लाने के लिए तो इसका आंसर है पोएट सीज़ आई वुड नॉट इंक्लूड ऑन हिम बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू इंटरवीन इन द नैचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्योंकि पोएट जो है दखल अंदाजी नहीं करना चाहते थे नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग में किस तरीके से जो है लोग सीखते हैं एक बच्चा सीखता है नेचुरली ही वॉन्ट्स द बॉय टू लर्न द मीनिंग ऑफ लॉज इन हिज ओन तो राइटर या पोएट चाहते थे कि जो बच्चा है वो किसी भी चीज़ को खोने का दर्द खुद से समझे ही ऑल्सो डजेंट ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल बिकॉज दैट वुड बी वर्थलेस क्योंकि अगर वो ऑफर कर देता कि भाई तुम लो पैसे ले जाओ और दूसरी बॉल ले आना तो वो बिल्कुल चीज़ बेकार हो जाती इससे बच्चा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेसन नहीं सीखता नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इन टू द हाबर वेयर हिज बॉल वेंट तो स्टेयरिंग डाउन मतलब वो अपने बचपन के बारे में सोचता है कि उसकी बॉल कहाँ गई मतलब एक सिंबॉलिक चीज़ है कि उसकी लाइफ या फिर उसका बचपन जो है कहाँ गया डू यू थिंक द बॉय हैज़ हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम आपको क्या लगता है कि बच्चे के पास जो बॉल है वो काफ़ी लंबे समय तक रही इज़ इट लिंक टू द मेमोरीज ऑफ डेज वेन ही प्लेड इट और क्या ये चीज जो उसके पास बॉल रही नहीं ये किस चीज़ की मेमोरी से लिंक्ड है तो आंसर है येज़ द बॉय हैज़ हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम बच्चे के पास बहुत ही लंबे समय तक बॉल रही थी ऑल हिज मेमोरीज ऑफ द डेज ऑफ चाइल्डहुड फ्लैश्ड इन फ्रंट ऑफ हिम तो पूरे बचपन की जो यादें हैं वो पोएट के आंखों के सामने आ गई दिस लेट टू अर रियलाइजेशन दैट दोज मोमेंट्स वुड नॉट कम बैक जस्ट लाइक बॉल तो वो उनको रियलाइज हुआ कि वो जो पुराने बीता हुआ समय है जैसे कि राइटर की बॉल वापस नहीं आएगी ऐसे ही वो पुराना बीता समय भी वापस नहीं आएगा ही कैन बाई न्यू बॉल्स एंड कैन सिमिलरली क्रिएट न्यू मोमेंट्स तो वो एक नई बॉल खरीद सकते हैं और इसी तरीके से नए मोमेंट्स भी नए पल भी बना सकते हैं बट दोज that आर गॉन वुड नॉट रिटर्न मगर जो चीजें एक बार बीत चुकी हैं वो कभी भी वापस नहीं आती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वट डज इन द वर्ड ऑफ पोजिशंस मीन्स तो पोजिशंस पोजिशन position का मतलब होता है कोई चीज़ आपके पास है तो आपने उसको पोजेस किया हुआ है तो वर्ड ऑफ पोजिशंस इस शब्द का क्या मतलब है तो इन द वर्ड ऑफ पोजिशन्स मीन्स दैट द वर्ड इज़ फुल ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स मटीरियलिस्टिक थिंग्स मतलब जिस चीज़ को आप छू सकते हो जिस चीज़ को आप इंजॉय कर सकते हो वो होती है मटीरियलिस्टिक चीज हियर एवरी थिंग इन एवरी एक्शन इज मेड टू पोजेस समथिंग हर चीज़ हर एक्शन मतलब कोई चीज़ पे कोई चीज़ चाहिए कोई चीज़ लेनी है इस तरीके से हमें दिखाया जाता है वे वेदर इट इज़ इन पोजिशन ऑफ लैंड प्रॉपर्टी मनी और एनीथिंग कि भाई किसके पास क्या है आजकल यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कि किसके पास कितनी पोजिशन है या फिर किसके पास कौन सी चीज़ का कोई हकदार है द पोएट सजेस्ट दैट लूजिंग अ बॉल विच इज़ वेरी स्मॉल थिंग वुड मेक द बॉय अंडरस्टैंड वट इट इज़ लाइक टू लूज समथिंग दैट वन पोजिस्ट तो वो ये सिखाना चाहता था बच्चे को कि भाई कुछ खोना जो आपके पास था पहले वो कैसा फील होता है और फिर क्या हम उसके लिए कर सकते हैं वही ये सब चीजें लाइफ के लेसन राइटर जो है उस बच्चे को सिखाना चाहते थे नेक्स्ट है डू यू थिंक द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लीयर आपको क्या लगता है कि बच्चे ने क्या इससे पहले कभी कुछ खोया था पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर तो ऐसे वर्ड्स बताइए जो इस आंसर को सजेस्ट करते हैं कि भाई उसने कुछ खोया था या नहीं खोया था तो आंसर है नो इट सीम्स दैट बॉय हैड एंड लॉस्ड एनीथिंग अर्लियर ऐसा लगता है कि बॉय ने इससे पहले कभी कुछ नहीं खोया था द वर्ड्स दैट सजेस्ट सो आर ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉसिबिलिटी वर्ड ऑफ पोजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली बार उसने कुछ खोया था तो उसको कुछ रिस्पॉन्स मिलना चाहिए ना कुछ समझ में आना चाहिए लॉस ऑफ वर्ल्ड ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड तो पोएट क्या कहना चाहता है कि बच्चा सीखेगा ये बॉल खोई खोई है उससे बहुत कुछ सीखेगा तो क्या कहने चाहते हैं पोएट से तो इसका आंसर है द पोएट सेज इज दैट द बॉय इज लर्निंग टू कोप अप विद द लॉस ऑफ द बॉल जो बच्चा है वो कोप अप करेगा यानी कि सहना सीखेगा चीज़ों को ही इज एक्सपीरियंसिंग ग्रीफ उसको दुख हो रहा है एंड लर्निंग टू ग्रो अप इन द वर्ड ऑफ पोजिशन कि भाई आपकी चीज़ है आपसे खो गई है वो तो मतलब दुख होता है बहुत ज्यादा बुरा फील होता है तो इस चीज को हैंडल करना आना चाहिए बचपन से ही पोर्ट चाहते हैं उस बच्चे को लेसन मिल जाए ही लर्नस दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स इन लाइफ दैट आर लॉस्ट एंड कैन नॉट बी बॉट बैक तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी होती है जो खो जाते कभी वापस नहीं आ सकती ही इज सेंसिंग हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ही हैज़ लॉस द बॉल तो बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही है क्योंकि उसने अब बॉल खो दी है द बॉय विल लर्न हाउ टू स्टैंड अप एंड लीव द लॉसिस बिहाइंड एज ही वुड हैव अंडरस्टूड द ट्रू मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ लॉस तो बच्चा खड़ा हो आगे बढ़ेगा और उसको समझ में आएगा कि किस तरीके से जब चीज़ें खोती हैं तो इंसान कैसा फील करता है तो ये हमने इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स देख लिए अच्छे लगे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए थैंक यू